ये जो हम मथवा में सर में जो बांधे हुए हैं ना, यही कलर पहन के नाच रहे थे, रासलीला कर रहे थे, बेबी बियर पी के नाचे छवा छम छम। मुझे नहीं, हम बांध लिए हैं तो ये मत समझिए कि हम भी भगवाधारी हो गए हैं। हम भगवाधारी नहीं हो गए हैं। खुद ही मीडिया को भी आज कहना चाहूंगा कि ये देश के पिलर को जो है ना, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, उनको तोड़ने की कोशिश ना करें, उनके आपसी रिश्ते को खराब करने की कोशिश ना करें, मेहरबानी करके, वरना ये देश जो है ना, कभी टिकाऊपन नहीं होगा, कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इस बात को याद रखिएगा। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। अरे रुकिए रुकिए भैया, भागिए मत, हम भगवाधारी नहीं है जो आप हमसे डर के भाग रहे हैं। जरा इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। इसको देखिए, देखा ये बुर्ज खलीफा जो टावर है, जो विश्व का सबसे बड़ा टावर है, उस पे पठान मूवी का जो ट्रेलर था उसको दिखाया गया है। अब भगवाधारी को मिर्ची लगा होगा पक्का, क्योंकि लगातार पठान फिल्म के लिए बायकॉट 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 करते हुए आ रहे हैं, यानी कट करने के लिए बात कर रहे हैं। अब देखिए एक तस्वीर हम दिखाते हैं, ये तस्वीर आप पहचान रहे होंगे, तो आप बखूबी जानते हैं, अभी फिलहाल सांसद बन चुके हैं बीजेपी के वो भी, और बीजेपी में जाने के बाद सब पाप धुल जाता है। ये तो सबको को मालूम है कि बीजेपी में जाने के बाद जितना पाप होता है ना, सब का सब धुल जाता है, एकदम साफ हो जाता है, और यही हाल इनका हुआ है। और इनको आप लोग जानते ही हैं, सांसद महोदय है, बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये किसी पहचान की मोहताज भी नहीं है। रिंकिया के पापा मालूम है कौन है? रिंकिया के पापा, देखिए जरा तस्वीर को देख लीजिए। ये जो अपने एक फिल्म में गाना गाए हैं, वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं, वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं, वरना पता है क्या करेगा, हमारे चैनल पर जो है ना, हमारे वीडियो पर क्लिप मार देगा कॉपीराइट का, दिक्कत हो जाएगा। तस्वीर देख के ही संतुष्टि कीजिए आप लोग। ये जो है मतलब रासलीला नचा रहे थे, बेबी बियर पी के नाचे छमा छम छम, कौन सा कलर पहन के? यही वाला कलर पहन के, ये जो हम मथवा में सर में जो बांधे हुए हैं ना, यही कलर पहन के नाच रहे थे, रासलीला कर रहे थे, बेबी बियर पी के नाचे छमा छम छम। आ ये महाराज अगर बेबी को बियर पिला के रासलीला करवाएंगे तो भगवा रंग का आहत नहीं होता है, भगवा रंग का अपमान नहीं होता है। वहीं पठान मूवी में, यानी कोई भी मुस्लिम कलाकार की फिल्म में अगर भगवा रंग पहनकर गाना गा दिया जाए तो उससे आपत्तिजनक हो जाती है, लोगों को चिढ़ हो जाती है। किन लोगों को आप समझ रहे होंगे? भगवाधारियों को। मुझे नहीं, हम बांध लिए हैं तो ये मत समझिए कि हम भी भगवाधारी हो गए हैं, हम भगवाधारी नहीं हो गए हैं। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं बुर्ज खलीफा का, पक्का एकदम 101% इसको देखने के बाद को, किसको? अंधभक्तों को, अनभक्तों को जो है एकदम मिर्ची लगेगा पिछवाड़ा में। देखिए तस्वीर जरा आप भी, और आप भी देखिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इसको कि भगवाधारियों के पास ही खबर पहुंचे और उनको समझ में आए कि शाहरुख खान जो है देश का नाम रोशन कर रहा है, ऐसी नहीं कर रहा है। देखिए जरा तस्वीर। And thank you, Yash Rajkiran, Siddharth, Aditya Chopra, and of course, John and Deepika, and so many other people in the film, Dhrupad Kapadia Ji, Ashutosh Rana. I'm sure you're going to enjoy this film on 25th of January.
And once again, my heartfelt thanks to Mohammed Al-Abar and Burj Khalifa and Dubai Mall and Lee Cinema and Dubai Film Commission. And to all of you, I'm going to be back soon to entertain you, inshallah, in the next 10-12 days. वैसे तो डॉन का इंतजार 11 घंटे से है, लेकिन अब डॉन को पकड़ना है कि 25 घंटे का। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल इन फ्रंट ऑफ दिस। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओह माय गॉड, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस, द मैन हु हैज बीन अस ऑलवेज, सो हु कॉल्ड द फर्स्ट इंडियन टू बी एवर वॉचिंग ऑन द बुर्ज खलीफा फसाद is going to be here in flesh and blood, and he is here to see you all. We are about to launch the trailer of the Burj Khalifa, and you know the name of the movie. Does everyone know the name of the movie? Can I hear a shout out with the name of the movie? 1, 2, 3. Absolutely, this side. You know the name of the movie? 1, 2, 3. Absolutely right. Pathan is going to rule Burj Khalifa today. देखा दोस्तों आप लोगों ने, मैं देश के तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं जो रंग को लेकर जो है आपसी लड़ाई करते हैं, आपसी सौहार्द को बिगाड़ते हैं, देश की एकता को खंडित करना चाहते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये सब चीज छोड़ दें। समझ में आ रहा है? ये सब चीज जो है छोड़ दें, क्योंकि देश जो है एक मिसाल देते हैं, एक छोटा सा बात आपको बताते हैं। जिस प्रकार किसी घर को बनाने के लिए चारों कोने पर एक एक पिलर की जरूरत होती है, और पिलर इसलिए डाला जाता है कि घर मजबूत हो, अगर उसमें से एक पिलर भी कमजोर हो जाएगा ना, तो घर टिकाऊपन नहीं होगा, बहुत जल्दी घर जो है ध्वस्त हो जाएगा, गिर जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इस देश के चार पिलर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। मैं उन सभी भगवाधारियों को, उन सभी अंधभक्तों को और उन सभी गोदी मीडिया को भी आज कहना चाहूंगा कि ये देश के पिलर को जो है ना, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, उनको तोड़ने की कोशिश ना करें, उनके आपसी रिश्ते को खराब करने की कोशिश ना करें, मेहरबानी करके, वरना ये देश जो है ना कभी टिकाऊपन नहीं होगा, कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इस बात को याद रखिएगा हमारी, और भगवाधारियों से खासकर मेरी निवेदन है। समझ गए? मैं इसीलिए आज इसको बांध के आया हूँ कि मैं ये बांध लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवाधारी कहला गए, और ये बांधने के बाद जो है मतलब इस रंग का, भगवा रंग का जो है अपमान हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रंगों में धर्म को बांट दिया गया, तुम मुसलमान हो तो तुम हरा रंग ले लो, तुम हिंदू हो तो तुम भगवा रंग ले लो। अरे भैया, अगर हम हरा रंग का पहन लेंगे, हरा रंग का पैंट पहन लेंगे तो हरे रंग का अपमान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। खत्म कीजिए इन चीज़ों को और बंद कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भगवाधारियों के पास पहुंच सके हमारी ये वीडियो और उनको समझ में आए।